हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स वाचिंग। मेरे पास ये हाथ आया है एनालिसिस के लिए, तो आज मैं इस वीडियो में इनका फुल हैंड एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने भी अपने हाथ की एनालिसिस मुझसे करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी और मेरे चार्जेस बताए हुए हैं मैंने, और आप मुझे अपना हाथ भेज सकते हैं हाथ की इमेजेस एनालिसिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ इनकी कुछ बात हुई थी, तो उसमें इन्होंने मुझे बताया था व्हाट्सएप पे कि ये इनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। इनकी एज है 39 और इन्होंने मुझसे पूछा है कि कैन यू गिव मी अ जनरल ओवरव्यू ऑफ करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड। तो इन्होंने ये मुझसे पूछा है अपने करियर के बारे में और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछा है इन्होंने, तो वो मैं इनका अभी हाथ पे देखूंगी कि कैसा है। इन्होंने मुझे पहले बताया कि ये बेंगलोर में रहते हैं, तो उसके बाद अभी जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं इस वक्त मतलब दुबई में, मैंने शिफ्ट किया है जस्ट USA टू दुबई, तो इस वक्त ये दुबई में है। तो ये भी हम देखेंगे इंडिकेशन के हाथ पे। तो इस वक्त ये जॉब कर रहे हैं दुबई में आईटी कंपनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड की एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि जो उनका हैंड है वो थोड़ा रेक्टेंगल शेप में है, काफ़ी चौड़ा है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा मजबूत इनका हाथ है, तो लेकिन रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बैठे बैठे ही काम करते हैं, वो उनको मतलब एक जगह बैठ के ही काम करना होता है, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम उनको नहीं करना होता है, लेकिन इनका हाथ जो है काफ़ी अच्छा हैवी है, तो ये अगर इनको भागा दौड़ी भी करनी पड़े वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनका जो काम रहेगा वो एक जगह बैठ के करने वाला ही रहेगा, जो कि ये करते हैं अभी। तो दूसरी बात यह है कि इनके हाथ का जो कलर है वो बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं कि पिंकिश ग्लो आपको इनके फिंगर टिप्स पे दिख रहा होगा और माउंट्स के ऊपर भी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ ये रहता है कि वो उनका हाथ जो होता है मनी मैग्नेट की तरह काम करता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में जैसे वो थोड़ी मेहनत करें या कुछ भी करें तो उनको फटाफट से रिजल्ट भी मिलता है। तो बहुत अच्छी ये इंडिकेशन रहती है अगर आपका हाथ का जो कलर है वो ऐसा हो। तो इनके हाथ का कलर भी हमने देख लिया और अब हम देखेंगे कि जो इनकी फिंगर्स हैं वो शॉर्ट हैं। तो फिंगर शॉर्ट होना मतलब कि बहुत जल्दी डिसीजंस लेना, ज़्यादा सोचना समझना कम और जल्दी से फटाक से डिसीजन ले लेना, ये एक अच्छी चीज़ भी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को स्लोली काम करना पसंद नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, डिसीजंस जल्दी लेते हैं। जैसे कहीं मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया आपको कि जो शॉर्ट फिंगर्स वाले होते हैं वो कहीं पर भी जैसे शॉपिंग करने जाएँ ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको जो चीज़ पहले पसंद आ गई एक नज़र में तो वो ले लेते हैं फटाफट से, तो ज़्यादा मतलब देर घूमते नहीं रहेंगे, सोचते नहीं रहेंगे, फटाफट से शॉपिंग और घर आ गए, मतलब हर काम वो ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी जल्दी डिसीजंस लेने की वजह से कभी कभार उनका नुकसान भी हो जाता है। तो उनकी फिंगर्स जो है हम देख रहे हैं सारी की सारी सन की फिंगर के ऊपर ज़्यादा ढल रही हैं। तो इनके साथ ये है कि इनको रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भूख रहती है, मतलब उनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, तो पैसे से ज़्यादा बढ़ के वो रिस्पेक्ट को ज़्यादा मान्यता देते कि हमारी लोग रिस्पेक्ट करें, और फेम वगैरह का भी इनको रहता है थोड़ा। तो आगे पीछे ये इनको बड़ा अंदर इच्छा होती है कि मेरा जो काम है वो हर कोई की नज़रों में आए, मतलब ये काम भी इस तरह से ही करते हैं, अच्छा करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों की नज़रों में आए और इनको उसके लिए अप्रिशिएट किया जाए, तो इस तरह के भी होते हैं। और बाकी इनका मैं देख रही हूँ कि ये ज़्यादा बाहर घूमना फिरना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको अपने घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर ये अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर जाके घूमना फिरना इतना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये भी इनका एक मैं देख रही हूँ नेचर। और उसके बाद देखेंगे कि जो इनकी जुपिटर फिंगर है वो अच्छी है, थोड़ी क्रॉक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी जुपिटर फिंगर थोड़ी सी क्रॉक होती है तो वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो कि इनमें है। तो सैटर्न फिंगर भी इनकी ऐसे थोड़ी सी बेंड हुई है सन के ऊपर, सन की थोड़ी सी सीधी लग रही है, और हल्की सी छोटी जो इनकी मर्करी फिंगर है वो हल्की सी टिल्ट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं अपने काम में, बहुत अच्छे जो भी इनका काम होगा उसमें ये जल्दी जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा सीखने में टाइम नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से है। तो बाकी जो उनकी मर्करी फिंगर है वो काफ़ी लो सेट है, तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पेरेंट्स में से दोनों में से एक के साथ उनकी नहीं, मतलब अच्छे से नहीं बन सकती है, या तो मम्मा के साथ या पापा के साथ, थोड़ा एक दोनों में से एक ऐसा पेरेंट रहता है जिसके साथ उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है बचपन से। तो उसके बाद इनके थंब को देख लेते हैं, थंब इनका अच्छा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है इनका थंब, लेकिन थोड़ी लेंथ जो है इतनी ज़्यादा अच्छी लिए हुए नहीं है, इस तरह से तो लेंथ ठीक आ रही है लेकिन उस तरह से। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि घर में इनके साथ इनको
मतलब वैसे वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब जैसे इनको चाहिए कि मुझे वैल्यू मिले वैसा नहीं रहता है। इनके साथ प्रॉब्लम रहती होगी जब ये अपने मतलब यहाँ पे कर्नाटका में होंगे अपनी फैमिली के साथ, जैसे अभी 39 एज है इनकी, मैरिड हैं ये, तो मे बी पहले जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती होगी कि इनके जो घर पे ज़्यादा इनको पूछ पड़ताल नहीं करते होंगे, मतलब किसी भी चीज़ की थोड़ा सा इनको लगता होगा कि हाँ मुझसे भी पूछो कि क्या करना है क्या नहीं, खुद ही डिसीजन लेते रहते हो, मतलब मुझे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो, मतलब इन लोगों के साथ ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है जिनका थंब थोड़ा शॉर्ट रहता है। तो इनके साथ भी ये रही होगी। तो बाकी ये है कि जैसे ही इन्होंने शिफ्ट किया इंडिया से, ये बाहर चले गए, दुबई चले गए, तब ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई होगी, अब ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं थंब में जो यफ साइन है वो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खुला है। तो ये खर्चे वगैरह बहुत इनके होते हैं, पैसे तो आते हैं इनके पास, सेविंग्स भी होती हैं, लेकिन खर्चे होते रहते हैं। इतना बुरा नहीं है, मतलब अच्छा है इनका ये यफ साइन, लेकिन हल्का सा खुला है तो खर्चे वगैरह होते हैं। और बार लाइंस भी देख रहे हैं हम थंब के ऊपर, तो बार लाइंस जो होती है वो खर्चे तो करवाती हैं, तो पैसे आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं, और सेविंग्स भी रहती हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं। इनका जो थंब है काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो विल और लॉजिक पार्ट दोनों जो हैं वो मुझे इक्वल ही लग रहे हैं, बट लॉजिक पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो जैसे कि इनका काम है आईटी कंपनी में है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब प्लानिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, ये इनका इनके अंदर क्वालिटी रहती है जो कि ये अपनी जॉब में करते ही हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इनके माउंट्स को, तो माउंट्स में हम देख रहे हैं कि जो इनका मर्करी माउंट है वो अच्छा है, ठीक है, तो मर्करी माउंट्स पे लाइंस भी हैं थोड़ी बहुत, तो हम दूसरी इमेज में चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखेगा हमें। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो मर्करी माउंट है उस पर अच्छी खड़ी लाइंस हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, एक से ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके पास लिक्विड मनी की कभी भी कमी नहीं रहती है, और हीलिंग क्वालिटी भी इनके अंदर रहती है। जैसे किसी को हेल्प करना, किसी मतलब कोई अगर इनका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो वो इनसे हेल्प मांग रहा है, तो ये पीछे कभी नहीं हटेंगे, उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो अगर ज़रूरी नहीं है पैसों को लेके ही, अगर वैसे ही किसी को हेल्प देनी हो, जैसे कोई परेशान है उसको समझाना है या उसकी बात सुननी है, उसका दुख थोड़ा कम करना है, तो वो भी क्वालिटी इनके अंदर रहती है। तो इस तरह के भी ये इंसान हैं। तो उसके बाद हमें मरकरी में और कुछ खास साइन नहीं दिख रहा है, सिर्फ खड़ी लाइन्स है, तो खड़ी लाइन्स होना बड़ी ज़रूरी होती है, जो होनी चाहिए मरकरी माउंट पे, तो इनके है। उसके बाद सन माउंट आ गया, तो सन माउंट भी इनकी बहुत अच्छी जगह लिए हुए है, सन माउंट काफ़ी बड़ा है इनका, और मुझे हल्की सी सन फिंगर इनकी थोड़ी सी लंबी भी लग रही है, तो सन इनका बहुत अच्छा है। तो ऐसा जो सन माउंट होता है, ऐसे सन माउंट वाले लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है जहाँ वो काम करते हैं, और रिकॉग्निशन मिलती है, और सन माउंट जो है वो काफ़ी अच्छे पैसे भी देता है। और इनके सन माउंट पे हम साइन देखें अगर, तो फिश साइन एक साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे छोटा सा, तो ये फिश साइन इनके जो सन माउंट पे है, ये इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे ज़रूर दे रहा होगा इस वक्त डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जैसे इनका हाथ देख लिया हुआ है, तो उस हिसाब से इनकी एज 39 है, तो अब मुझे पूरा यकीन है कि सैलरी वगैरह इनकी बहुत अच्छी होगी। ऑब्वियसली ये दुबई में जॉब कर रहे हैं तो सैलरी तो अच्छी ही रहेगी। तो उसके बाद जो इनकी लाइन है सन लाइन, वो मैं देख लेती हूँ, वो ये एक ये है, बहुत सारी हैं, छोटी छोटी हैं, एक यहाँ पे भी एक फिश साइन बना रहे हैं और एक ये छोटी सी है। तो सन लाइन जो है इनकी जो मेन वो अच्छी है, कहीं से भी ज़्यादा डैमेज वगैरह नहीं है, बहुत मतलब अच्छी हालत में है। तो एक क्रॉस साइन तो बन रहा है बट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो क्रॉस साइन तो यही देता है कि या तो अपने जो उनके पापा हैं उनके साथ इनके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब जैसे इनके थॉट्स और उनके नहीं मिलेंगे, या इनकी थोड़ी अनबन रहेगी आपस में, और या फिर जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं वहाँ पे मानहानि होने का थोड़ा खतरा रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ये क्रॉस साइन जो है वो थोड़ा बहुत है, तो ये कुछ ना कुछ अपना रिजल्ट ज़रूर देगा जो कि इन दोनों में से है। बाकी इनके सन माउंट पे एक ये फिश है और एक ये भी है, ये भी फिश ही बन रही है इनकी, तो ये भी दोनों फिश जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो इसकी ये ज़रूर इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे इस वक्त दिला रही होंगी। आई नो इनका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा इस टाइम चल रहा है। ये नॉलेज लाइन है, ये अपने प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है अपने काम की है, उस वाली लाइन होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जो अपना कोई भी काम करते हैं उसमें ये प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, और इनसे लोग पूछते हैं, मतलब इनको मानते हैं कि हाँ इनको इनको पता है, उनको मतलब उनसे हम पूछते हैं क्योंकि वो जानते हैं। तो मतलब काफ़ी लोग जो होते हैं वो इनसे पूछ पूछ के भी काम करना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनके पास जो ये नॉलेज लाइन है इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मानते हैं कि हाँ इनके पास नॉलेज है। तो ये भी चीज़ अच्छी है इनके सन माउंट पे,
बाकी सन माउंट जो है उसका उभार बहुत अच्छा है, तो सन माउंट जो है वो अच्छी कंडीशन में है। जब अगर आपके हाथ पे अच्छे अच्छे साइंस हैं बट माउंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनका मतलब जैसा चाहिए उनका डेवलप्ड नहीं है, तो वो साइंस जो हैं वो काम नहीं करते हैं। बट अगर अच्छी हालत में है, माउंट अच्छे डेवलप्ड हैं, तो वो सारे जो साइंस हैं माउंट्स के ऊपर तो वो सब काम करेंगे। तो इनकी जो है सन माउंट जो है ये अच्छा डेवलप्ड है, तो जिस वजह से कि ये जो साइंस बन रहे हैं फिश साइन वगैरह ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी स्क्वायर साइन भी हैं, ये देखिए छोटा छोटा स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं। तो जो स्क्वायर साइन है ये दिखाते हैं कि आपकी जो जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है, तो वो आपका दूर मतलब काफ़ी दूर दराज मतलब जगहों पे फैलेगा। जैसे इनकी जो कंपनी है जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं वो मतलब ये इंडिया से दुबई गए हैं, या फिर ये जो स्क्वायर साइन होते हैं ये आपको बाहर भी मतलब चांसेस दिलवाते हैं कि आप बाहर जाके अपना बिजनेस करो या जॉब करो, तो ये उसी की इंडिकेशन होती है। तो इस वक्त ये बाहर हैं तो ये स्क्वायर साइन की वजह से। और उसके बाद सन माउंट में हमें और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। तो स्क्वायर साइन देखे हमने, फिश साइन देखे, जो कि दोनों बहुत ही अच्छे लकी साइंस होते हैं। और सैटर्न के नीचे हम देखते हैं कौन कौन से साइंस हैं। तो सैटर्न के नीचे यहाँ पे हल्की हल्की सी खड़ी लाइनें हैं, काफ़ी लाइट हैं पर हैं, तो ऐसी जो लाइंस होती है, और एक ये खड़ी लाइन है, तो बहुत ज़रूरी होती है सैटर्न के नीचे भी खड़ी लाइंस होना, क्योंकि ये भी आपको मतलब पैसे की कमी नहीं आने देती हैं कभी भी। अगर जैसे आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो ये जो लाइंस हैं ये आपको ज़रूर वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके दिलवा ही देंगी, या आपके पास खुद ही होगा। तो ये चीज़ होती है इन लाइंस के लिए। और बाकी मुझे सैटर्न के ऊपर कोई भी खास कुछ साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इनका सैटर्न था, सैटर्न माउंट। और उसके बाद जुपिटर, जुपिटर जो माउंट है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ आपकी रिंग ऑफ सलमन है, जो कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको पामिस्ट्री में एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ये बिलीफ रखते हैं, और साथ में ये निष्ठावान बड़े ज़्यादा होते हैं, अपने काम को लेके बहुत सिंसियर होते हैं, तो ये इनके साथ रहता है। और साथ में जुपिटर माउंट पे ज़्यादा कुछ साइंस नहीं है, यहाँ से हमें एम्बिशन लाइंस उठती हुई नज़र आ रही हैं जो माइंड लाइन के ऊपर से आ रही हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका उनके जो एम्बिशंस होते हैं वो एकदम क्लियर रहते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से उठ के जब एम्बिशंस लाइन आती हैं तो ऐसे लोगों के जो मतलब दिमाग में जो गोल्स बना के रखते हैं ना वो बहुत ही क्लियर रहते हैं। उनको प्लानिंग भी पता होती है, उन्होंने प्लानिंग की होती है कि कैसे करना है उन गोल्स को अचीव। तो ये एम्बिशन लाइंस होना बड़े ज़रूरी है अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो इनके हाथ पे हमने देखी एक एम्बिशन लाइन, और मुझे यहाँ पे एक सीधी खड़ी लाइन नज़र आ रही है ऐसे करके जो जा रही है ऊपर की तरफ। तो खड़ी लाइन हमने जुपिटर माउंट पे भी देखी, तो ये खड़ी लाइन होना तो हर माउंट पे बहुत ज़रूरी होती है। जुपिटर पे भी अगर आपको खड़ी लाइन दिखती है तो ऐसे लोग अपना मतलब जो भी ये दिमाग में सोचते हैं उसको अचीव ज़रूर करते हैं लाइफ में, एक बार मतलब कभी ना कभी तो ये ज़रूर उस लेवल तक पहुँचते हैं जहाँ पर ये पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसी इनके जुपिटर माउंट पे इनके ही हमने देखा। और हल्के हल्के क्रॉस साइंस हैं, छोटे छोटे क्रॉस साइंस जुपिटर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये भी आपके जो लाइफ में जो आप करना चाहते हो अचीव करना चाहते हो उसमें हेल्प करते हैं आपको अचीव करने में। तो ये क्रॉस अच्छे रहते हैं जो कि आपके जुपिटर पे हमने देखे, यहाँ पे भी एक क्रॉस है। तो ये सारी चीज़ें और स्क्वायर साइन बन रहे हैं। स्क्वायर साइन इसको जुपिटर पे अगर स्क्वायर बन जाए तो वो टीचर स्क्वायर कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बात को बड़े अच्छे से समझा सकते हैं दूसरे को, जैसे अगर आपके नीचे कोई अगर कोई काम कर रहा है आपका कोई इम्प्लॉय, तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हो कि आपको कैसा काम चाहिए, आप क्या चाहते हो। तो ये जो टीचर स्क्वायर होता है ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके हाथ में अगर हो तो। और साथ में ये प्रोटेक्ट करता है अगर आपको मतलब जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं हो सकती है, और आप खाने पीने के भी बहुत शौकीन रहते हैं, तो ऐसे मतलब आप जो भी खाएं वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा ज़्यादातर, मतलब आपको ये वाली प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, मतलब अगर आपके जुपिटर पे ऐसा है। और जुपिटर भी इनका अच्छा उभार लिए हुए है, तो ये सारे जो साइंस हैं इनके जुपिटर पे ज़रूर काम करेंगे क्योंकि इनका जुपिटर अच्छा है। तो ये हमने जुपिटर को देख लिया। अब हम दूसरे साइंस देखते हैं दूसरी इमेज में जाके। तो ये है इनका इनर मार्स, और इनके इनर मार्स में भी हम देख लेते हैं कि कुछ साइंस बन रहे हैं कि नहीं। तो इनके इनर मार्स में मैं देख रही हूँ कि स्क्वायर साइन बन रहा है। स्क्वायर साइन बहुत अच्छा होता है इनर मार्स में। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अगर इन्वेस्ट करते हैं जैसे ज़मीन वगैरह में, लैंड वगैरह के काम में अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं या वो वाला काम कोई शुरू करते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये अच्छा साइन है आपके इनर मार्स में। तो काफ़ी रेयर होता है इनर मार्स में अगर आपको साइन दिखे तो, वो बड़ा रेयर होता है। बट यहाँ पे
स्क्वायर साइन मुझे दिखा तो ये एक अच्छा साइन है। तो उसके बाद इनर मार्स भी आपका अच्छा उभरा हुआ है और आउटर भी अच्छा है, दोनों आपके अच्छे हैं। तो ये आपको आपका जो इम्यून है उसको बड़ा स्ट्रांग करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी भी ये जो मार्स हैं ये देते हैं, क्योंकि ये दबे रहते हैं, नहीं होते इतने ज़्यादा अच्छे, तो उनका जो मतलब उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका इम्यून अच्छा नहीं होता है। अगर उनको कोई जैसे बीमारी वगैरह कुछ भी हो जाए तो उसको थोड़ा लंबे टाइम तक वो खिंच के फिर जाके वो ठीक होते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। तो उसके बाद आपका हमने ये देखा और अब ये आ गया आपका वीनस। तो वीनस भी आपका अच्छा उभरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो लग्जरी लाइन्स काफ़ी सारी हैं, तो लग्जरी लाइन्स जो हैं वो ये दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में काफ़ी लग्जरी है। और अगर ये जैसे अगर किसी और के हाथ में ऐसी लग्जरी काफ़ी सारी लाइंस हो तो, लेकिन वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हो, तो यही लाइंस जो होती हैं उनको लेज़ी बना देती हैं। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आप काम करते हैं तो आपको ये ज़रूर लग्जरी ही प्रोवाइड कर रही होंगी। और इसके बाद आपके वीनस पे हम देख रहे हैं खड़ी लाइंस काफ़ी सारी हैं। तो खड़ी लाइंस अगर आपकी इतनी ज़्यादा हैं तो आप जो भी काम करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये लाइन नहीं हो तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आप काम तो बहुत करते हो लेकिन उसका फल आपको कम मिलता है, मतलब कि आप उस काम से जो अर्न करते हो वो बहुत कम होता है। बट आपके हाथ में काफ़ी सारी हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। तो ये अच्छे मतलब आपका जो वीनस है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद हम देखते हैं आपका मून। तो मून तो आपका नीचे देखिए, आप इनका मून काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो काफ़ी अच्छी अच्छा उभार लिए हुए हैं मून। जैसे कि मून अगर जब अच्छा है आपका, उसके ऊपर साइंस भी सारे बहुत अच्छे हैं, तो आप जब बाहर जाते हो, आप जब फॉरेन जाते हो अपना अपनी कंट्री छोड़ के, तो वो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फलती है, मतलब वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। तो इनके हाथ पे मून बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मून पे हम देख लेते हैं कोई साइंस अगर बन रहा है, स्क्वायर साइन बन रहे हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर साइन भी यही दिखाते हैं मून पे अगर बन जाए तो। अगर आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो या कोई बिजनेस स्टार्ट करो बाहर फॉरेन में, तो वो आपको फ़ायदा देगा, मतलब उसमें आपको कोई भी कहीं नुकसान की कोई भी ऐसी मतलब सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको नुकसान हो रहा है या आपका पैसा फंस गया, ऐसा नहीं है। मून माउंट पे अगर स्क्वायर साइन आ जाए तो बहुत अच्छा है, ये इंडिकेशन मिलती है कि आप अगर बाहर जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपका वो फलेगा ज़रूर। और आपका मून अच्छा है, यहाँ से लाइंस खड़ी लाइंस भी हैं इसके ऊपर, जो ट्रैवल लाइंस हैं, एक लाइन ऐसे करके आ रही है, ये भी ट्रैवल लाइन है। तो ट्रैवल तो आपका आप दुबई में हो, आप यूएसए से दुबई आए हो अभी अभी, तो वो सीधे सीधे दिखाता है कि आप अपने काम के वजह से वहाँ गए हो, ये लाइंस ये दिखाती हैं। और घूमने फिरने भी ये वाली लाइन जो है ये घूमने फिरने की है, एडवेंचर मतलब करने जाना जैसे, ये उसकी लाइन है, तो ये भी आप करते हो। तो ये आ गया मून आपका, और आपका मून एकदम ठीक है, एकदम साफ है, तो मतलब उस तरह से कोई बैड साइन नहीं है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज़ गई। और उसके बाद आपका इनर मार्स, आउटर मार्स जो है इस पर कोई साइन नहीं है, तो इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कोई भी साइन नहीं, और ज़्यादा मुझे लगता है ना ही कोई साइन हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा लाइंस आ जाएँ तो वो लिटिगेशन लाइंस होती हैं, तो वो अच्छी नहीं होती हैं। तो वैसे ये क्लियर है, तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपकी लाइंस को। तो ये आपकी हार्ट लाइन है, तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है, कहीं से भी ज़्यादा कटी फटी नहीं है। वैसे आपकी जो सारी की सारी मेन लाइंस हैं वो सब अच्छी हैं, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं मेन लाइन जब सब अच्छी हो जाएं तो ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में ग्रोथ करते हैं, मतलब एकदम से छलांग नहीं मारते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में ग्रोथ करते जाते हैं और अपनी लास्ट में जाके अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो ये आपके हाथ पर बहुत अच्छी चीज़ है, हार्ट लाइन आपकी एकदम ठीक है, बस यहाँ पर यहाँ रुकती है आके, जो कि अच्छी बात है। तो लेकिन एक ब्रांच जो है वो सीधे जा रही है जुपिटर की तरफ, तो ये जो ब्रांच जा रही है जुपिटर की तरफ ये दिखाती है कि आप जो आप अपने पैसे की वेस्टेज कर सकते हो, मतलब कि आपका पैसा मतलब जैसे आप कभी भी किसी को उधार पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये लाइन आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी जाती है कि आपका पैसा फंस जाता है, या मतलब आप किसी को दे देते हो वापस नहीं आता। तो आप इसका यही है एक उपाय है कि आप कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि कोई नीडी है, कोई जैसे मंदिर हो गया या कोई नीडी बंदा हो गया जिसको आपको लग रहा है कि इसको पैसे में मतलब दान में दे दूँ, तो वो आप करते रहा करो बीच बीच में, तो आपके पैसे फिर आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो आप खुद ही दान में दे दिया करिए पैसे, तो उससे क्या होगा कि दूसरे का भी भला हो जाएगा और आप भी बच जाओगे अपने पैसे वेस्ट होने से। तो इसका ये इलाज है, तो आप ये कर लीजिएगा, बाकी ठीक है सब कुछ, हार्ट लाइन आपकी ठीक है। ये फॉल लाइंस हो रही हैं हार्ट लाइन से, तो ये दिखाती है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा हो, मे बी या चलता हो, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हों आपकी अपनी वाइफ के साथ, तो ये वो चीज़ें दिखा रही है। और उसके बाद हम देखेंगे आपकी माइंड लाइन को। आपकी माइंड लाइन यहाँ से ऐसे करके जा रही है, तो इसका हल्का सा उभार है आपकी माइंड लाइन का, जो कि सन की तरफ है। तो दोबारा से इंडिकेट कर रही है माइंड लाइन रिस्पेक्ट
और मतलब आपको ये बड़ा है कि रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ध्यान रहता है, फोकस रहता है, और आप ये चाहते हो कि आपका जो काम है वो दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करें। तो ऐसा ज़रूर होगा, आप ऐसा ज़रूर करोगे, अब कर भी रहे होगे शायद, कि आपको एप्रिसिएशन मिलती हो आगे पीछे से सबसे। और मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपके हाथ में है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव करते रहोगे, जिससे कि आपको और रिस्पेक्ट और आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी, और माइंड लाइन आपकी एकदम क्लियर है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होते हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, और उनकी उनको अपने कोई भी डिसीजन पर, ज़्यादातर उनको डिसीजन पर कोई भी रिग्रेट्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सोच के लिया होता है डिसीजन। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई उल्टा सीधा डिसीजन ले लोगे अपनी लाइफ में, आप हमेशा जो भी डिसीजन लोगे वो एकदम सही रहेंगे, आपकी माइंड लाइन ये दिखा रही है। तो ये आपकी माइंड लाइन है। बाकी आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो आप जॉब ही करोगे, बिजनेस आप नहीं करना, मतलब बिजनेस के लिए आपका हाथ नहीं है, क्योंकि मर्करी लाइन भी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप नौकरी ही करो तो वही ठीक रहेगा। तो बाकी आपका आ गया लाइफ लाइन, लाइफ लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। तो लाइफ लाइन तो आपकी अच्छी है, अच्छी जगह भी मिल रही है आपके, मतलब यहाँ वीनस को, मार्स को, सब बढ़िया है। ऐसे लोगों का जो हाथ होता है उनकी बॉडी में बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन यहाँ से ये सीधी मतलब राउंड में नहीं है, ये राउंड में होती तो बड़ा अच्छा होता, ये ऐसे सीधी आ रही है। तो सीधी जो लाइफ लाइन जब आ जाती है, तो वो जो टाइम रहता है उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं सेहत में, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपका चलता रहता है, बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं होता है, बट फिर भी आपको मतलब कुछ इरिटेट करता है, मतलब जैसे कोई चीज़ ठीक हुई फिर दूसरी स्टार्ट हो जाती है, फिर जैसे या कुछ भी नहीं होगा तो थकावट रहेगी बॉडी में, मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ है इस इमेज में, ठीक नहीं पता चल रहा, मुझे दूसरी इमेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो आपकी लाइफ लाइन है, यहाँ पे ये ऐसे आ रही है और फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप कोई, मुझे लगा था यहाँ कहीं आइलैंड तो नहीं बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आइलैंड नहीं है, बस ये ओवरलैप कर रही है, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। बट जो ये ऐसे करके आ रही है, ये तो लाइन ठीक लग रही है, लेकिन जो दूसरी आ रही है उसमें मैं देख रही हूँ कि वो थोड़ी डार्क हो रही है, तो इसमें थोड़ी सेहत वगैरह का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो कि 39 जैसे आपकी एज है, तो 39 मुझे लगता है इस टाइम पर, हाँ, ये टाइम या तो निकल गया है या तो चल रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी पहले से ज़्यादा मतलब ख़राब रही होगी, अभी लेकिन ठीक हो रही है, अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी ऐसे आते आते यहाँ पे ये ठीक हो रही है। तो बाकी आपकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पे आके रुक गई है, और उसके बाद फिर यहीं पे स्टॉप है, तो ठीक है आपकी लाइफ लाइन। मार्स लाइन भी है आपकी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो मार्स लाइन अगर आ गई तो वो बहुत अच्छी रहती है। मार्स लाइन आपको प्रोटेक्ट करती है, हर कोई बड़ी कोई भी डिजीज़ हो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी, या फिर किसी भी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो मार्स लाइन जब आ जाती है तो वो भी लाइफ लाइन का ही काम करती है किस्म से, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी लाइफ लाइन थी। तो उसके बाद हम देखते हैं आपकी फेट लाइन। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल, जो भी आपकी है आने वाले टाइम पे कैसी सिचुएशन रहेगी, और साथ में करियर का, तो वो सब आपका पता चलेगा आपकी फेट लाइन से। तो फेट लाइन आपकी, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसी जो फेट लाइन होती है वो बहुत कम लोगों के हाथ में मैंने देखी है। अगर आपकी ऐसी फेट लाइन हो जाए तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपकी फेट लाइन शुरू होती है और सीधी ऊपर तक जा रही है। तो आपने बहुत ही छोटी एज में, मतलब 23 की एज से ही या फिर 25 की एज से ही आपने कमाना शुरू कर दिया था, और फिर आपका यहाँ पे आके एक स्टार साइन भी बन रहा है। तो कोई 28 की एज में आके आपको काफ़ी अच्छी, मुझे लगता है, प्रमोशन वगैरह मिली थी या अच्छी कंपनी में आपने जॉब की थी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार साइन क्लियर बन रहा है और काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद से आपकी जो करियर को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। और आपका जो, मैं आपको बताऊं कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्शन बनता है कंफर्ट जोन का। तो जब आप कर्नाटका में थे, जब आप इंडिया में थे, तब आपका इतना अच्छा नहीं था जितना कि आपका मतलब बाहर जब आप गए हो तब आपका ज़्यादा अच्छा हुआ है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई मतलब बाहर जाके भी उनका अच्छा नहीं, मेरे पास एक दो क्लाइंट ऐसे भी थे जिनका, जो कनाडा में है लेकिन उनका वहाँ पे कुछ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनका वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि उनके मून माउंट में प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ बैठे हैं लेकिन उनका कुछ बन नहीं पा रहा है, उनका मतलब प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो वैसा भी होता है, लेकिन आपका जो है, आपका ये है कि आपका सब बहुत अच्छा है बाहर, अगर आप जितनी देर तक रहोगे तब तक आपका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। इंडिया में मुझे लगता है आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इंडिया में
में आना भी है तो आपको अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करना है, आपको अपने जो आगे पीछे का कल्चर है, अपने आगे पीछे के जो लोग हैं उनको छोड़ के कहीं दूर जाके अलग कल्चर में अलग लोगों में जाके जितना आप दूर जाते जाओगे उतना आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। तो क्योंकि आपका कम्फर्ट जोन बनता है, आपकी लाइफ लाइन से टच होके जा रही है ये आपकी फेट लाइन, तो ये कंफर्ट जोन देती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने घर से दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ, घर पे आ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन जॉब वगैरह जो है या बिजनेस वगैरह जो है वो बाहर जाके ही करें, तो पैसा जो है वो बाहर जाके ही कमाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका करियर, आपकी जो एज है इस वक्त 39 एज है आपकी, जो आपका मुझे लगता है यहाँ कहीं बनता है, तो आपका तो बहुत ही अच्छा है, और भी अच्छा होता जाएगा आने वाले टाइम पे, और स्मूथ चलता जाएगा। आप जितनी ग्रोथ, जितनी आपको प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो आपको मिलती जाएगी। कोई भी दिक्कत की, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। तो उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है उसमें कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। तो मर्करी लाइन आपकी जो है वो मुझे लगता है मर्करी लाइन आपकी, तो ये हल्की फुल्की सी मर्करी लाइन्स हैं। तो मर्करी लाइन्स जो है आपकी काफ़ी हल्की फुल्की है, और मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप बिज़नेस वगैरह आप नहीं करोगे, क्योंकि बिज़नेस अगर आप करोगे तो आपका नहीं चलेगा, आप जॉब ही करोगे। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक एडिक्शन लाइन, ये ऐसे करके जो जा रही है, ये एक एडिक्शन लाइन है, तो ये काट रही है आपकी फेट लाइन को और लाइफ लाइन को भी। तो थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये ऐसे करके जा रही है। तो अगर तो ये पूरा ऐसे करके जा रही है तो फिर ये एडिक्शन लाइन है। तो एडिक्शन लाइन जो होती है वो ठीक नहीं होती है। एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि शराब की या ड्रग्स की एडिक्शन, मे बी किसी और चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है आपको। तो अगर वो है तो आपको वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। जैसे आप कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी ऐसी कोई दवाई वगैरह लेते हैं, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो उसको आप थोड़ा कम कर दें ताकि वो आपको ज़्यादा कोई नुकसान ना कर पाए। या किसी और चीज़ की अगर आपको एडिक्शन है, जैसे किसी किसी को वीडियो गेम्स खेलने की होती है, बड़े सारे लोग होते हैं, तो अलग अलग तरह की एडिक्शंस होती हैं, तो वो आप देखिए कि आपको किस चीज़ में है, तो वो उसको आप थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश कीजिए, तो ये हट जाएगी जब आप ऐसा करोगे। तो बाकी आपके हाथ में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ साइन बनता है, तो ये साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना साम्राज्य बनाते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी मतलब अपनी लाइफ में मतलब शोहरत हासिल करते हैं, ग्रोथ हासिल करते हैं। ये साइन मैंने एलन मस्क के हाथ में भी देखा था, तो उनका भी आप देख सक रहे हैं कि कितना अच्छा उनका अपना एक साम्राज्य है। तो मतलब वैसे अपने, लेकिन हाथ के हिसाब से, जैसे ये साइन भी है तो बाकी का हाथ भी बहुत ही बढ़िया है, तो फिर मतलब वो लेवल तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन जैसा आपका हाथ है और उस हिसाब से आपके पास ये साइन है, तो आप उस हिसाब से ही उस चीज़ को अचीव करोगे, तो वो चीज़ है। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है जो आपके हाथ पे है। अगर आपकी सन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, हल्की फुल्की है लेकिन जा रही है और ये ऐसे है, तो काफ़ी नीचे से आपकी सन लाइन शुरू हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऊपर ये पोर्शन में आके थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। वैसे आपका सन माउंट बहुत ही अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो लाइन है यहाँ से जो शुरू हो रही है, ये मतलब कोई इतना खास ये रिजल्ट शायद नहीं देगी, लेकिन फिर भी आपकी आपका सन माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से आपको ये शोहरत, पैसा सब कुछ देता ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। तो बाकी एक ये लाइन है जो कि मुझे लगता है ये भी एक वेवी सी लाइन है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो लाइन यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये भी सन लाइन अगर मान के चलें तो ये मार्स की तरफ से आ रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अगर मतलब शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर थोड़ा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो। तो मैं आप मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।